अब यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं कि कौन सी चीज मोशन में है या कौन सी चीज मोशन में नहीं है। फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, जब एक बर्ड उड़ते हुए जाता है तो ऑब्वियसली वो मोशन में, आपको पता है कि वो उड़ के जा रहा है। अ स्टेशनरी ट्रेन, अगर एक ट्रेन एक जगह पे रुकी है तो ऑब्वियसली वो रुकी है, वो मूव नहीं हो रही है। हवा में पत्ते उड़ रहे हैं तो मूव हो रहे हैं, पत्थर एक पहाड़ पे है तो पत्थर रुका हुआ है, वो मूव नहीं हो रहा है। अगर ये सब चीजें आप सोचें तो फिर आपको समझेगा कि कोई भी चीज कैसे मूव हो रहा है, आपको समझने की बात है। अब एक सिंपल सा आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग ट्रेन में या बस में कई बार ट्रेवल किए होंगे, अगर लोकल ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हो, आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी है, सामने वाली ऑपोजिट डायरेक्शन से आई हुई ट्रेन सामने वाले प्लेटफॉर्म पे रुकी है, अचानक से कभी कभी ऐसा फील होता है हमारी ट्रेन चल रही है या सामने वाले की चल रही है, समझ में नहीं आता। ऐसा अगर आप लोग ट्रेन से ट्रेवल किए हो तो आपको पता चला होगा कि कई बार ऐसा लगता है यार ये अपनी ट्रेन जा रही है या उसकी ट्रेन जा रही है, तो उसके दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये क्यों होता है? ये बड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन के ऊपर है कि हमें मूविंग चीजें समझना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, और ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी समझो अगर आप एक ट्रेन में हो तो आप मूव नहीं, आप एक जगह पे रुक गए हो बराबर, लेकिन ट्रेन तो मूव कर रही है, तो क्या आप मोशन में हो कि नहीं हो, आप भी मूव कर रहे हो कि नहीं? ऑब्वियसली आप भी कर रहे हो क्योंकि आप उस ट्रेन के साथ मूव कर रहे हो। आप गाड़ी में बैठे हो, टेक्निकली आप एक जगह पे ही बैठे हो, लेकिन गाड़ी तो मूव कर रही है ना, आप एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो बराबर, इसका मतलब है कि आप भी मूव कर रहे हो। ठीक, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी आप मूविंग कर रहे हो या नहीं कर रहे, डिपेंड्स ऑन दी ऑब्जेक्ट ऑफ इट, आप किस चीज के ऊपर हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट रिलेटिव होने का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कि कॉन्सेप्ट रिलेटिव है कि उसकी सराउंडिंग्स के हिसाब से वो मूव हो रहा है या नहीं मूव हो रहा है। ठीक है, अभी एक डायग्राम है यहाँ पर, ये आप देखोगे यहाँ पे शीतल और प्रशांत का घर है, यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे संगीता का घर है। अब शीतल और प्रशांत के घर से सीधा स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 1300 मीटर है, 1300 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 300 मीटर डायरेक्ट डिस्टेंस है। बट शीतल और प्रशांत पहले संगीता के घर पे जाते हैं और फिर वहां से स्कूल जाते हैं, तो शीतल और प्रशांत को संगीता के घर पे जाने के लिए 500 मीटर ये कवर करना पड़ता और फिर 1200 मीटर संगीता के घर से स्कूल का डिस्टेंस। तो कौन सा ज्यादा है? ऑब्वियसली ये ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे 1200 प्लस 500 1700 मीटर कवर करना पड़ रहा है, जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा है टू 1300 मीटर जो कि डायरेक्टली हो सकता था। तो यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ पे फर्क ये है कि शीतल और प्रशांत के घर से सीधा स्कूल का डिस्टेंस 1300 मीटर और संगीता के घर होके जाने का मतलब 1700 मीटर होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोशन में जो हमें हमेशा ध्यान रखना है उसे कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी, यानी कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस वो एक्चुअल रास्ता होता है जो कि कवर किया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, बराबर। अभी अगर मैं आपको एक सिंपल चीज बोलूंगा कि आप यहां से लेट्स से यहां से आपको मुंबई जाना है, तो आपको पता है कि यहां से मुंबई 60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर्स दूर है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। या फिर आपको आपके घर से आपके दोस्त के घर पे जाना है, तो आपके दोस्त का घर जो है वो 400 मीटर की दूरी पर है, तो आपका और आपके दोस्त के घर के बीच में फर्क कितना हो गया? 400 मीटर हो गया। तो ये सारी चीजों को हम डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब ओरिजिनल जगह से दूर जाना। डिस्प्लेसमेंट मतलब ओरिजिनल जगह से दूर जाना। अब आपको मैं एक सिंपल चीज बोलता हूं, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ओके? ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया तो ये डिस्टेंस कवर किया और डिस्प्लेस भी हुआ। बट अगर ये पॉइंट ए से घूम के वापस पॉइंट ए पे रुक गया तो इसने डिस्टेंस तो कवर किया था लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हुआ। क्यों डिस्प्लेस नहीं हुआ? क्योंकि ये जहां था वहीं आ गया है वापस। समझ में आ रहा है? यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है? डिस्टेंस में जगह एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना या फिर घूम के वापस उसी जगह पे आ जाना तो भी डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, बट डिस्प्लेसमेंट मतलब उसको उस जगह से हटना जरूरी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो डायग्राम है, ए और बी, ध्यान देंगे।
पहला लाइन पढ़ेंगे, एवरी मॉर्निंग स्वार्ली वॉक्स अराउंड द एज ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हैविंग अ रेडियस ऑफ 100 मीटर. इफ शी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड टेक्स वन राउंड, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. तो स्वार्ली क्या करती है, इस जगह से निकलती है, ये पूरा सर्कल घूम के वापस यहीं पे आ जाती है. ये देखिए, ये जो जगह है यहाँ से इस पॉइंट से निकल के पूरा घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ जाती है. ये 100 मीटर का पूरा रेडियस है. तो 100 मीटर का अगर रेडियस है तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, ऑब्वियसली 100 मीटर. बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि ये जहां से शुरू की थी वहीं पे आ गई है. बट ये दूसरे वाले डायग्राम में ये बात नहीं है. दूसरे वाले डायग्राम में कार जो है वो पी से क्यू जाती है और फिर वापस पी में आ जाती है. तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 360 मीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट इसका भी जीरो है क्योंकि ये जाके वापस आ जाती है. ठीक है, तो अब आते हैं हम स्पीड के ऊपर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप लोग सब लोग याद करेंगे, इसको बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं कर सकते. अगर आपके पास बुक पेन रेडी है तो इसको लिख भी लीजिए. स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. यानी स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. जैसे अभी आप गाड़ियों में अगर कभी बैठे हो गए तो गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है जो 50 किलोमीटर पर आर, 60 किलोमीटर पर आर, 70 किलोमीटर पर आर, 80 किलोमीटर पर आर, ऐसा टाइम, ऐसा स्पीड दिखाता है. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि गाड़ी की जो उस समय की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है. यानी कि अगर इसी स्पीड से चलेगा तो एक घंटे में 60 किलोमीटर कवर करेगा. यानी कि स्पीड जो होता है वो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, यानी जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके लिए जितना टाइम लगता है उसको कैलकुलेट करके बनता है. The distance traveled in one direction by an object in unit time is called its velocity. Hence, unit time can be 1 second, 1 minute, 1 hour. If large units are used, 1 year can also be used as a measure of time. So, ya to meter per second, SI unit mein kya hota hai, meter per second hota hai, aur CGS mein kya hota hai, centimeter per second hota hai. Aur agar gaadiyon ka baat karenge to kilometer per hour hota hai. To ye important hai, yahan pe dhyan denge. Ab velocity jo hai, wo displacement hai. और स्पीड जो है वो मोशन है, वो डिस्टेंस है. यानी स्पीड डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करता है. तो वेलोसिटी अलग चीज है और स्पीड अलग चीज है. वेलोसिटी क्या कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करता है कि कोई भी चीज किसी भी जगह से कितनी दूर डिस्प्लेस हो गई, क्योंकि वो जिस गति से जाएगी उससे मालूम पड़ेगा कितना दूर पहुंची है. स्पीड क्या डिसाइड करता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है. ये दोनों में डिफरेंशिएशन समझेगा अपने को. अगर कभी आपको पूछा गया कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है तो स्पीड कैलकुलेट करता है डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करता है डिस्प्लेसमेंट हुआ. द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट हैज अकर्ड इज कैलकुलेटेड बाय वेलोसिटी एंड द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड इज कैलकुलेटेड बाय स्पीड. सिंपल इनाफ. ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कोई भी स्पीड कितना कैलकुलेट करना है. तो अगर 500 मीटर 5 मिनट में है तो 100 मीटर पर मिनट, अगर 1200 मीटर 24 मिनट पे तो 50 मीटर पर मिनट, और अगर 1700 मीटर 29 मिनट में है तो 58.6 मीटर पर मिनट, और इसकी वेलोसिटी जो है वो 1300/29 यानी कि 44.83 मीटर पर मिनट है. क्यों 44.83 मिनट, क्योंकि यहाँ पे 1300 मीटर का डिस्टेंस है और ये इसके लिए इतना टाइम दिया गया है. यहाँ पे कोई गाइस प्लीज म्यूट रखिए अनलेस एंड अंटिल कुछ इंपॉर्टेंट ना हो बोलने के लिए. अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. तो अगर यहाँ पे दिया है कि तीन लोग हैं, ये तीन अलग अलग गाड़ियों में ट्रेवल कर रहे हैं और अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शाम को 5 बजे ये लोग निकले, 5:30 बजे अमर ने 20 किलोमीटर, अकबर ने 18 किलोमीटर और एंथनी ने 24 किलोमीटर कवर किया था. 6 बजे 40, 36 और 28, 6:30 बजे 60, 42 और 42, 7 बजे 80, 70, 56,
7:30 100, 95, 70 और 8 120, 120 और 84 इतना कवर हुआ था. सॉरी वो मेरे घर के यहाँ पे सैनिटाइजर छिड़ा. तो ये क्या है, ये एक्चुअल में अलग अलग अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर किया गया है अलग अलग टाइम में. ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका जो स्पीड है वो सेम नहीं है. बराबर, अभी जैसे मैं अगर एक जगह से निकलूंगा, मेरी गाड़ी फास्ट है और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक जगह पे जाके मिलेंगे. फॉर एग्जांपल मुंबई से निकल रहे हैं, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अपन लोनावला जाके मिलेंगे. अब मेरी गाड़ी फास्ट है तो मैं लोनावला जल्दी पहुंच जाऊंगा, अब किसी और की गाड़ी स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा, किसी की गाड़ी मुझसे भी फास्ट है तो मुझसे भी जल्दी पहुंच जाएगा. तो डिपेंड करता है कि कौन कितना स्पीड में चला रहा है, प्लस कौन कितनी बार रुक रहा है. मैं रुका नहीं तो मैं जल्दी पहुंच गया, कोई लोग बार बार रुक रुक के आ रहे तो उनको टाइम लग रहा है. तो ये सारी चीजों किस पे डिपेंड करती है, कि कंटिन्यूस स्पीड और वेलोसिटी दोनों कितना था. ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पे जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन. क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन. आप लोगों ने सबने सूटा होगा, स्कूटी में कार में सब में एक्सेलरेटर होता है जिससे गाड़ी को स्पीड मिलती है. तो ये एक्सेलरेशन होता क्या है, ये हम लोग अभी देखेंगे. एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अभी एक सिंपल सा आपको एक बात बोलता हूँ, मैं आया, मैं हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बैटिंग कर रहे हो, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, मैंने स्पीड में बॉल डाली. बराबर, तो ये जब बॉल स्पीड में डाली, इसको आप लोग बोलोगे कि बहुत स्पीड में आई है, एक्चुअली वो बॉल एक्सेलरेट होके आई. एक्सेलरेट होके आई मतलब मेरे हाथ से निकलने के बाद कंटिन्यूसली उसने स्पीड गेन करते गई और वो पहुंचती गई. बराबर, अब और एक चीज हम लोग कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेट्स से अगर आप स्लाइड के ऊपर बैठे हो और आप नीचे घसर रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ है वही चीज. तो स्लाइड के ऊपर जब आप चढ़ते हो और जैसे ही आप बैठते हो तो आपकी स्पीड थोड़ी कम है, बीच में आते हैं अचानक आपकी स्पीड बढ़ जाती है और नीचे जाते हैं अचानक आपकी स्पीड रुक जाती है. तो ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है इसको कहते हैं एक्सेलरेशन. क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन. अब हर ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन होता है कि वो किस स्पीड पे है, कितना ज्यादा वो स्पीड पकड़ रहा है उतना वो एक्सेलरेट हो रहा है. अच्छा, स्पीड और एक्सेलरेशन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, क्योंकि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस कवर कितने टाइम में वो कैलकुलेट करता है. एक्सेलरेशन कितना ज्यादा हम बढ़ रहे हैं अपनी स्पीड में उसको कैलकुलेट करता है. यानी जो ओरिजिनल स्पीड थी और जो बढ़ी है उसके अंदर, उस चीज को कैलकुलेट करने का काम एक्सेलरेशन करता है. ठीक है, यहाँ पे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने को बोला इन्होंने. तो जीरो टाइम पे जीरो डिस्टेंस था, 10 सेकेंड पे ये 15 मीटर पे था. चलिए अभी हम लोग ये बनाएंगे. ओके, तो ये 10 पे कितना था, ये 10 पे 15 था, तो समथिंग ओवर हियर. और 20 पे ये गया कुछ 30 तक, तो ऐसा हुआ. 30 पे ये गया 45 तक, यानी कि ऐसा. 40 पे गया ये 60 तक, यानी कि कुछ ऐसा. 50 पे 75 तक, यानी कि कुछ ऐसा. 60 पे 90 तक, यानी कि कुछ ऐसा. और 70 पे 105 तक, यानी कि कुछ ऐसा. तो ये इसका एक्सेलरेशन का ग्राफ है. आपको सबको दिख रहा है ये जब ये 10 पे था, तो ये जब 0 पे था तो ये यहां था, और जब ये 10 पे गया तो यहां था, 15 पे था, और फिर ये बढ़ते गया. जब ये 20 पे गया तो 30 पे था, जब ये 30 पे गया तो 45 पे था, 40 पे गया तो 60 पे था, 50 पे गया तो 75 पे था, 60 पे गया तो 90 पे था, और 70 पे गया तो 105 पे. ये क्या है, ये सब टाइम है. और ये क्या है, ये डिस्टेंस है. यानी कि जब ये 0 सेकंड पे था तो 0 पे 0 स्पीड था. जब ये 10 सेकंड पे पहुंचा तो इसने 15 मीटर कवर किया था. जब वो 20 पे पहुंचा तो इसने 30 कवर किया था. जब ये 30 पे पहुंचा तो इसने 45 कवर किया था. यानी इसका एक्सेलरेशन जो है वो कंटिन्यूअसली उसी स्पीड पे है, इसने स्पीड नहीं चेंज किया. क्योंकि आप ये देख रहे हो कि ये 15 के मल्टीपल्स में ही बढ़ते जा रहा है. ऐसा नहीं हुआ कि ये 0 to 10 15 है और 10 to 20 40 हो गया. अगर वैसा हुआ होता तो मैं बोलता कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है गाइस. यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन जो है वो उतना ही है जितना शुरू हुआ था. यानी कि ये यूनिफॉर्म है. ये क्या है, यूनिफॉर्म है. देखिए यहाँ पे लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, दस द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन. देखिए डिस्टेंस एंड लाइन का जो ग्राफ है ये स्ट्रेट है, इसको मान लीजिए स्ट्रेट है. थोड़ा सा मेरा ड्रॉइंग बराबर नहीं है इसके लिए ऐसा है,
मान लीजिए ये स्ट्रेट है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, इसके लिए इसका जो ग्राफ है वो एकदम सीधा लाइन है, ये एकदम सीधा लाइन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होएगा। ओके, और एक ग्राफ आया, लेट्स सी। ये जीरो पे जीरो है, ओके, ये फाइव पे आते आते सेवन है, समझो ये फाइव है यहां पे सेवन है, ओके लेट्स सी, ये सेवन है, टेन पे आते आते ट्वेल्व है, ओके सेवन, ट्वेल्व, फिफ्टीन पे आते आते ट्वेंटी है, ओके, ट्वेंटी पे आते आते थर्टी है, ट्वेंटी फाइव पे आते आते फोर्टी वन है, थर्टी पे आते आते फिफ्टी है, और थर्टी फाइव पे आते आते फिफ्टी एट है। तो ये आप देख रहे हो ये सीधी लाइन में नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कभी ज्यादा है कभी कम है। जैसे आप लोग देखोगे कि 20 और 25 के बीच में ये 11 पॉइंट बढ़ गया, लेकिन 15 और 20 के बीच में सिर्फ 10 ही पॉइंट बढ़ा, और 5 और 10 के बीच में तो 5 ही पॉइंट बढ़ा। तो इसका जो स्पीड है ये कभी ज्यादा है कभी कम है, एक साथ पूरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन में जब नहीं है तो इसका लाइन स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, जब ये यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है तो इसका लाइन स्ट्रेट नहीं होगा। अब एक चीज लिखा है यहां पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या लिखा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये कितना टाइम कवर हो रहा है? दो घंटे के अंदर 60 ये कवर किया था, और फोर इसमें भी 60 किया था, यानी कि ये कंटिन्यूअसली उसी टाइम उसी स्पीड पे चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर 5 आवर्स तक। तो ये कोई भी स्पीड चेंज नहीं कर रहा, इसके लिए कंटिन्यूअसली इसका जो एक्सिस है ये यहीं पे है। अगर ये ऊपर नीचे होता तो ये ऐसा ऐसा जाता, बट ये वैसा नहीं हो रहा है, ये सीधा ही जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है ये इन 5 घंटों में बिल्कुल नहीं है, बट यहां पर इसका एक्सेलरेशन है। ये 0 पे 0 था, 5 पे 8 था, 10 पे 16 था, 15 पे 24 था, 20 पे 32 था, 25 पे 40 था, 30 पे 48 था, और 35 पे 56 था। यानी ये कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते जा रहा है 8-8 के स्पीड से। इसका स्पीड कितना है? इसका स्पीड बहुत सिंपल है, इसका स्पीड जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड है, 8 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये देखिए 0 पे 0 था, 8, 5 पे 8 हुआ, 10 पे 16 हुआ, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये आराम से जा रहा है, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा भी है 8 मीटर पर सेकेंड का कंटिन्यूअस स्पीड इसने मेंटेन किया है। यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड से, इसकी स्पीड तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, बट इसका एक्सेलरेशन जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड पे हो रहा है। ऊपर वाले डायग्राम में एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये जिस स्पीड पे था उसी स्पीड पे है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन 0 है। उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की, बट उसका एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पे इसकी स्पीड तो जो है वो है, बट इसका एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड बढ़ते जा रहा है। यानी कि अगर इसने इस पहले 5 मिनट में 8 मीटर कवर किया, तो दूसरे 10 मिनट फिर उसने उतना ही ज्यादा और कवर किया, तो यानी कि वो कंटिन्यूअसली उतना एक्सेलरेशन मेंटेन कर रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी स्ट्रेट है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी किसी भी शेप की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या स्पीड पे चल रहा है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कौन सी है? 24 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 240 मीटर्स। ओके, नाउ ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड से। इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप लोगों को याद करने हैं। अगेन लेट्स क्विकली मेक अ नोट ऑफ दैट। वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
बहुत जरूरी है. वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सेकंड है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक सेकंड ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस 1/2 इनटू एक्सेलरेशन अपॉन टाइम स्क्वायर. ठीक है. और कमिंग टू दिस, दिस इज वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. ये सब में क्या अपने को ज्यादा यूज होएगा? ये पहला वाला ही अपने को सबसे ज्यादा यूज होएगा. वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ये सबसे ज्यादा यूज में हमारे आएगा. ठीक है. ओके. एक्सेलरेशन मैंने पहले भी बोला था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है. चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होती है? चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करने का सिस्टम सिंपल है. फाइनल वेलोसिटी यानी जो वेलोसिटी एकदम लास्ट में थी वो माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इससे हमको चेंज इन वेलोसिटी मिलता है जो कि बहुत सिंपल है. यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये एक इक्वेशन है जो प्रूफ कर रहा है ये फॉर्मूला. ठीक है. ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर रहा है. ये इक्वेशन हमको याद नहीं, ये पूरा जो थियरी है उसको याद करने की जरूरत नहीं, बट ये फॉर्मूला हमको याद रखना है. ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रखना है. बिफोर ये स्टार्ट करते हैं हम लोग, मेरे को एक दो चीजें और आप लोग को बताने हैं. न्यूटन के तीन लॉ ऑफ मोशन थे. कितने लॉ ऑफ मोशन थे? तीन लॉ ऑफ मोशन थे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे पहले कि हम आपको वो ग्राफिकल फॉर्म बताऊं, मुझे वो तीनों लॉ ऑफ मोशन पे एक छोटा सा पीडीएफ आपको दिखाना है. वो हम लोग फटाफट देख लेंगे तो अपना काम हो जाएगा. फिर आई गेस आज के लेक्चर में टाइम भी कम बचा है, वो हम बाद में फिर आगे खत्म करेंगे. एक सेकेंड. Okay. Yeah. Yeah. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल स्टे इन मोशन अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि जो भी चीज अगर मोशन में नहीं है तो वो मोशन में नहीं रहेगी, वो एक जगह पे रुकी रहेगी अनलेस कोई उसको मूव करे. अभी एक सिंपल सी चीज है, ये ग्लास मैंने यहाँ पे रखा है तो ये ग्लास यहीं पे रहेगा अनलेस एंड अनटिल मैं इसको धक्का दू या कोई इसको धक्का दे या कोई चीज इसको मूव करे, ये मूव नहीं होगी. वैसे ही अगर कोई चीज मूव हो रही है तो कोई ना कोई चीज उसको रोकेगा तो ही रुकेगा. अब आप बोलोगे कि सर अगर मैंने बॉल को लात मारी तो बॉल अपने आप थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा. एक्चुअली वो अपने आप नहीं रुकता, बॉल थोड़ी देर के बाद फ्रिक्शन की वजह से, जो कि घास पे फ्रिक्शन या जमीन पे फ्रिक्शन होता है उस वजह से रुकता है. अगर उसको हम एक एम्प्टी स्पेस दे जहां पे कोई भी अमाउंट का फ्रिक्शन ना हो तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा. यही लॉजिक है कि जो आसमान में हम स्पेस क्राफ्ट या कुछ भी भेजते हैं तो जब भी वो एक बार हमारी ग्रेविटी के बाहर चला जाता है तो वो घूमता ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है. तो क्यों होता है? ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल स्टे इन मोशन अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है?
न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, द मोर फोर्स विल गिव यू द मोर अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन। जितना दम से मैं बैट से बॉल को मारूंगा उतना जोर से बॉल दूर जाएगी। सिंपल इनफ, हम जितना जोर से किसी को धक्का देंगे उतना ज्यादा जल्दी वो नीचे गिरेगा। तो जितना भी हमने कोई चीज पे फोर्स डाला उतना ही वो चीज मूव होगी। अगर मैंने जोर से थप्पड़ मारा तो उतना ज्यादा चेहरे पे लगेगा। तो डिपेंड अमॉन द अमाउंट ऑफ फोर्स जो मैं पुट इन कर रहा हूं उतना ही एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ये है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और फाइनली और सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसको टेस्ट करने का एक सिंपल तरीका है, आप एक धागे में बॉल या कोई भी हैवी सी चीज बांधो और उसको एक तरफ आप धक्का दो और ऊपर से पकड़ के रखना, वो चीज वहां पे जाएगी और फिर वापस आएगी। जितना वो आगे जाएगी उतना ही वो पीछे आएगी, बराबर। आप लोगों ने बचपन में झूले झूले होंगे, जब हम झूले में आगे की तरफ पुश करते हैं खुद को तो कोई पीछे की वहां से कोई वापस पुश नहीं भी करेगा तो भी झूला पीछे आएगा ही, बराबर। ऐसा तो नहीं ना कि आप झूले के लिए आगे गए आगे ही रह गए पीछे नहीं आ रहे, ऐसा नहीं होगा। आप जितना आगे जाओगे उतना ही आप पीछे भी आओगे। क्यों होता है ऐसा? ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आप इसको समझ लें और यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थ्री लॉस। ये तीनों लॉ के ऊपर ही हमारे आगे के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम राइट नाउ, आई हैव अनदर लेक्चर इन 10 मिनट्स, तो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक ऑन, लेट्स सी मेरे को अगला लेक्चर कब मिलेगा आपका, शायद परसों मिलेगा मुझे, तो परसों हम ये टॉपिक कवर करेंगे। अभी के लिए मैं जो ये नोट्स जहां से पढ़ रहा था मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको आप वापस से रिवाइज करेंगे और ये अपना लेक्चर भी यूट्यूब पे रहेगा, इसको वापस से अगर आपको देखना है तो आप इसको वापस से देख सकते हो। अगर कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछिए, मुझे डायरेक्टली पूछिए या ग्रुप में पूछिए, जैसा आपको ठीक लगे। अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो आई हैव एनीथिंग एल्स टू से। So thank you very much guys and you have a good one.